क्लास 9 इंग्लिश मोमेंट्स बुक लेसन नंबर 3 ईश्वरन द स्टोरी टेलर। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन। गणेश को ये स्टोरी, ये कहानी एक नवयुवक ने सुनाई थी जिसका नाम महेंद्र था। He was a junior supervisor in a firm. वो एक कंपनी में सुपरवाइजर था, जूनियर। वो कंपनी जो थी अपने सुपरवाइजर की सेवाएं दूसरों को उपलब्ध करवाती थी, जैसे पुल बनाने के लिए या फैक्ट्रीज बनाने के लिए। जो काम की जगह पर जो सुपरवाइजर की ज़रूरत होती है तो ये कंपनी वहाँ पर अपने सुपरवाइजर भेजकर काम करवाती है। महेंद्र का काम भी सुपरवाइजरी करने का था और अपने ऑफिस या कंपनी के अनुसार उसको एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना पड़ता था, चाहे वो कोयले की खदान हो या किसी रेलवे के लिए पुल बन रहा हो। वहाँ पर वो एक बैचलर था और बहुत कम सामान उसको ज़रूरत पड़ती थी, कम सामान की, और हर परिस्थिति के अनुसार वो अपने को ढाल लेता था, चाहे वो छोटा सा गेस्ट हाउस हो, चाहे वो कोई साइट पर कोई छोटा सा टेंट हो। वो हर जगह पे अपने आप को एडजस्ट कर लेता था। और इसका एक बहुत बड़ा कारण था उसका कुक यानी रसोईया, जिसका नाम था ईश्वरन। ईश्वरन को महेंद्र से बहुत लगाव था और जहाँ महेंद्र जाता था अपने जॉब के काम के सिलसिले में, ईश्वरन उसके साथ चला जाता था। उसमें खूबी ये थी कि वो उसके लिए खाना पकाता था, उसके कपड़े भी धोता था और शाम को बैठकर उसके साथ कई प्रकार की बातें करता था। वो कई प्रकार के किस्से तुरंत बना लेता था, छोटी कहानियाँ, एनेक्डोट्स लिखा है आपकी बुक में, उसका मतलब होता है छोटे किस्से या कहानियाँ ईश्वरन तुरंत बना लेता। उसमें ईश्वरन में एक गुण ये भी था कि वो सब्जियाँ वगैरह जो है खाने में जो इस्तेमाल होनी है वो कहीं भी उगा लेता था। उनको ऐसी जगह जहाँ पर कुछ नहीं होता था वहाँ भी वो सब्जियों की व्यवस्था कर लेता था। और कुछ ही समय में उनको ताजी सब्जियां मिलने लगती। तो महेंद्र का दिन का काम यही था कि सवेरे वो उठता था, ईश्वरन उसके लिए नाश्ता बनाता था और उसके लिए टिफिन भी बनाता था, जिसको महेंद्र अपने साथ लेके अपने काम पे चला जाता था। और उसके जाने के बाद ईश्वरन छप्पर ठीक करता या टेंट ठीक करता, उसके कपड़े धोता और उसके बाद आराम से खुद नहाता था। वो पानी की कई कई बाल्टियाँ अपने ऊपर उंडेलता था और साथ ही साथ में वो कोई मंत्र भी पढ़ता रहता था। और इतने में दोपहर के भोजन का समय हो जाता था और खाना खाने के बाद सोने से पहले ईश्वरन कुछ पढ़ता था। उसके पास तमिल भाषा में लिखी हुई पुस्तक थी कुछ 100 प्रश्नों की, और उसमें जो काल्पनिक जो चीज़ें लिखी रहती थी वही ईश्वरन के मन पर छाई रहती थी। और ईश्वरन का बोलने का तरीका भी खुद का भी वैसे ही था कि यदि वो किसी छोटी से छोटी घटना को भी बताता था तो ऐसे बताता था जैसे बहुत उसमें रहस्य और रोमांच वाली कुछ चीज़ है। जैसे कि उदाहरण के लिए आपकी बुक में लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल, यदि उसे बताना होगा कि सड़क पे पेड़ गिरा है तो वो बताएगा कि वो नाटकीय ढंग से हिलकर बोलेगा कि सड़क सुनसान थी, मैं अकेला जा रहा था, तभी मैंने देखा दूर से कि सड़क पर कोई जानवर बड़ा सा पड़ा हुआ है, झाड़ियों वाला झाड़ीदार जानवर ऐसा पड़ा है, और
जब मैं पास जाके निकला तो उसके बताने का तरीका यहाँ पर लिखा हुआ है आपकी बुक में कि हर घटना को वो एक नाटकीय तरीके से बताने की कोशिश करता था। वो अपनी कहानी सुनाते सुनाते शुरू करता था, जहां का मैं रहने वाला हूं वो स्थान इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है, काफी बड़ा जंगल है, घना जंगल है, वहां पर लकड़ी के जो लट्ठे हैं वो हाथियों द्वारा ट्रक पर लादे जाते हैं, वहां बड़े बड़े और पाले हुए हाथी हैं, पर जब कोई कभी हाथी बिदक जाता है तो बड़े बड़े अनुभवी महावत भी उसको काबू में नहीं कर सकते। इतना कहने के बाद वो हाथी से संबंधित किस्सा सुनाने में लग जाता। ऐसे ही उसने एक दिन सुनाया, एक दिन एक मेल एलिफेंट जिसको हम टस्कर कहते हैं वो लकड़ियों के आंगन से भाग निकला और इधर उधर झाड़ियों को कुचलता हुआ और जंगली पौधों को बेलों को वो उखाड़ता हुआ, टहनियों को तोड़ता हुआ अपनी मनमर्जी से कहीं भी घूमने लगा और ईश्वरन खुद भी वो हाथी की नकल करके बताने लगा। फिर उसने कहा कि हाथी ऐसा करते करते हाथी हमारे नगर के किनारे तक आ गया और वो चार दीवारी को ऐसे तोड़ रहा था जैसे माचिस की तीलियां हो। फिर वो मेन रोड पे आ गया, फल के जो बर्तन थे, मिट्टी के जो बर्तन थे वो उनको उठाकर यहां वहां फेंकने लगा। दुकानों को उसने तोड़ दिया, लोग घबरा गए, सब यहां वहां भागने लगे। फिर वो खेल के मैदान में आ गया जहां बच्चे खेल रहे थे, उसको देख के सारे बच्चे दौड़कर घरों में घुस गए और दरवाजे कसकर बंद कर लिए। हाथी बाहर चिल्लाते हुए चिंगारते हुए घूम रहा था। वो हाथी ने फुटबॉल के गोल खंभों को तोड़ दिया, वॉलीबॉल की नेट उखाड़ दी और पानी के ड्रम को उसने पैरों से कुचल के चपटा कर दिया और सब लोग बेबस होकर हाथी के इस काम को देख रहे थे। नगर ऐसे खाली हो गया था जैसे वहां के लोग अचानक गायब हो गए। फिर उसने कहा ईश्वरन ने कि मैं उस समय छोटी कक्षा में पढ़ता था और छत पे खड़े खड़े ये सब देख रहा था। अचानक मुझको सूझी, क्या सूझी, कि एक टीचर के हाथ से मैं छड़ी लेकर नीचे आंगन में गया। हाथी मुझे देखकर जोर से चिंघाड़ा और मुझे डराने के लिए अपने सूंड में पकड़ी हुई टहनी को उसने जोर जोर से हिलाया। उसने हाथी ने अपने पैर जमीन पर मारे तो धूल मिट्टी हवा में उड़ी, परंतु मैं हाथ में डंडा पकड़े पकड़े धीरे धीरे उसकी ओर गया। लोग जैसे हिप्नोटाइज हो गए थे, सम्मोहित हो गए थे और मुझे देख रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूँ। हाथी गुस्से से मुझे देख रहा था। जैसे ही उसने एक बार और चिंघाड़ने की कोशिश की मैं जल्दी से उसकी तरफ गया और उसके पैर की जो तीसरा जो नाखून था उस पर मैंने अपने हाथ की लकड़ी से जोर से मारा। कुछ सेकंड के लिए तो ऐसा लगा कि जैसे हाथी बेहोश हो गया है, फिर उसे एकदम से हाथी को थोड़ी सी कपकपी सी आई और वो लुढ़क गया। ये कहानी बताई ईश्वरन ने। इतना कह के ईश्वरन कहानी को अधूरी छोड़ के खड़ा हो गया और उसने कहा कि मैं गैस जलाकर और खाना गर्म करके अब भी आता हूं। महेंद्र जो इस कहानी को बड़े ध्यान से सुन रहा था वो आधे में अटक गया और जब ईश्वरन वापस आता है तो वो कहानी को तुरंत स्टार्ट नहीं करता। महेंद्र उसको याद दिलाता है कि तुमने कहानी अधूरी छोड़ दिए थे, आगे क्या हुआ ये बताओ। तब ईश्वरन ने बताया कि हाँ, हाथी का फिर उपचार करने के लिए एक जानवरों के डॉक्टर को बुलाए और दो दिन बाद उसको
उसका महावत जो था वो जंगल में ले गया था। तो ये तरीका था उसका कहानी सुनाने का। फिर महेंद्र ने पूछा, अच्छा ईश्वरन तुम ये बताओ कि तुमने हाथी को कैसे गिरा दिया, तुमने ऐसा कैसे किया, इतने बड़े हाथी को कैसे गिरा दिया तुमने। तो ईश्वरन इसका उत्तर देता है कि उसने शायद कोई जापानीज एक कला होती है, आर्ट होती है, जिसको हम जुजित्सु कहते हैं, उसके बारे में ईश्वरन ने कहीं पढ़ा था, जिससे कि नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता है। तो उसने वही किया था हाथी के साथ, ऐसा ईश्वरन ने बताया। तो कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता था कि जिससे ईश्वर जिस दिन ईश्वरन कोई ऐसा रोमांचक किस्सा या कहानी ना सुनाए, चाहे कहानी विश्वास करने लायक हो या नहीं हो। महेंद्र को उसको सुनने में बहुत आनंद आता था, क्योंकि ईश्वरन का सुनाने का तरीका अच्छा था। और ईश्वरन के कारण महेंद्र को अपने कमरे में टीवी की कमी भी खलती नहीं थी, ईश्वरन उसका टाइम पास कर देता था। एक दिन जब महेंद्र नाश्ता कर रहा था, तो ईश्वरन ने पूछा कि क्या आज रात को मैं कुछ स्पेशल खाना बनाऊं, आज हम अपने परंपरा के अनुसार अपने पूर्वजों को तृप्त करने के लिए अच्छी डिशेस बनाते हैं, अच्छा खाना पकवान बनाते हैं। तो महेंद्र ने उस रात को अच्छा डिनर किया और उसने तारीफ भी की ईश्वरन की कि उसने बहुत अच्छे पकवान बनाए थे। ईश्वरन खुश दिख रहा था, लेकिन अचानक ईश्वरन को क्या सूझी, उसने सुपर नेचुरल यानी भूत प्रेतों की कहानी सुनानी चालू कर दी। उसने कहा, आप जानते हैं इस यहां का आसपास का एरिया पहले कब्रिस्तान था, और महेंद्र ये सब सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो खाना अच्छा खाना खाने के बाद थोड़ा आराम करना चाहता था, लेकिन ईश्वरन फिर भी कहता रहा कि मैं तो ये पहले से जानता था, जब मुझे रास्ते में एक खोपड़ी पड़ी मिली थी, और कभी कभी मुझे खोपड़ियों के साथ साथ कुछ हड्डियां भी मिल जाती हैं। वो उसको कहानी सुनाने लगा। वो बोलता गया कि मुझे कभी कभी रात को भूत भी दिखाई देते हैं, परंतु मैं इनसे नहीं डरता, क्योंकि मैं बहुत निडर हूँ, मैं बहुत साहसी व्यक्ति हूँ। परंतु एक स्त्री का भयानक भूत पूर्णिमा की रात को दिखाई देता है, ऐसा ईश्वरन ने बताया। वो बहुत डरावनी दिखती है और उसके चेहरे पर झुर्रियाँ हैं और हाथों में एक उसके छोटा बच्चा होता है। ये सुनकर महेंद्र कांपने लगा, बहुत डर गया और उसने गुस्से में ईश्वरन को टोक दिया। उसने कहा कि तुम पागल हो, ऐसी कोई चीज नहीं होती, ये सब तुम्हारी एक कल्पना है। उसने कहा कि शायद तुम्हारा डाइजेशन ठीक नहीं है और शायद तुम्हारा दिमाग भी ठीक नहीं है, तुम बकवास कर रहे हो। उसने महेंद्र ने ईश्वरन को डांट दिया और वो सोने के लिए चला गया। महेंद्र सोच रहा था कि उसने डांट दिया है ईश्वरन को, तो दो तीन दिन तक हो सकता है कि ईश्वरन दुखी रहे, लेकिन महेंद्र ने दूसरे दिन ही देखा कि ईश्वरन जैसा था वैसा ही है, वो वैसे ही प्रसन्न है, और जैसे वो बहुत ज़्यादा बात करता था तो अभी भी वो वैसे ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन उस दिन से महेंद्र थोड़ा सा अनईजी फील करने लगा, और जब भी वो रात में अपनी खिड़की से बाहर देखता था तो उसके दिमाग में रहता था कि कहीं आसपास कोई परछाई या छाया तो नहीं दिख रही है, परंतु उसको अंधेरे ही अंधेरा दिखाई देता था, और दूर से फैक्ट्री की टिमटिमाती हुई रोशनियां दिखाई देती थी। महेंद्र को पूर्णिमा फुल मून की जो रात होती है वो बहुत पसंद थी, लेकिन ईश्वरन की बात सुनकर पूर्णिमा की रात में बाहर देखने की उसकी हिम्मत भी नहीं होती थी। एक रात को जब महेंद्र सो रहा था तो उसने अपनी खिड़की के पास थोड़ी कुछ आवाज सुनी,
तो उसको लगा शुरू में कि ये कोई बिल्ली की आवाज है, परंतु जब उसने ध्यान से सुना तो उसको लगा कि ये आवाज तो किसी ह्यूमन की है। और उसने उसको जिज्ञासा हुई कि वो बाहर देखे कि कौन है, परंतु उसको डर लग रहा था कि कहीं उसको भी कुछ भयानक दृश्य ना दिखाई दे। लेकिन वो आवाज धीरे धीरे ऊंची होती गई और अब वो क्लियर हो गया कि वो बिल्ली की आवाज तो नहीं थी। वो अपने आप को रोक नहीं पाया, खिड़की के पास बैठ के उसने बाहर झांका, चांदनी रात थी। और थोड़ी दूर पर उसको एक छाया, जैसे कि गठरी सी उठाए हुए कोई एक परछाई दिखाई दी। महेंद्र को पसीना आ गया, ठंडा पड़ गया और वो हाँफने लगा, और हाँफते हुए वो अपने तकिए पर जा गया। धीरे धीरे जब वो थोड़ा नॉर्मल हुआ तो उसने अपने आप को समझाया कि ये उसका केवल एक भ्रम था। सुबह महेंद्र उठा, उसने नहाया, नाश्ता किया और अपने जब तक वो अपने कमरे में आया तो उसके मन से, उसके दिमाग से वो रात वाली घटना निकल चुकी थी। ईश्वरन ने दरवाजे पर उसका दोपहर का खाने का पैकेट दिया, थैली उसकी दी। और उसके बाद ईश्वरन ने हंसकर उससे कहा, जब मैंने आपको वो स्त्री के भूत के बारे में बताया था तो आपने मुझे डांट दिया था, अब तो आपने भी कल रात उसको देख लिया। आप कल रात को जोर जोर से चिल्ला रहे थे, आपकी आवाज सुन के मैं आपके कमरे के पास आया तो आप यही सब चीज चिल्ला रहे थे। महेंद्र को फिर कपकपी सी हुई, उसने पूरी तरीके से ईश्वरन का सेंटेंस सुना भी नहीं। वो सीधे अपने ऑफिस में गया और उसने अपना जो त्याग पत्र था जिसमें लिखा था कि वो यहां से जाना चाहता है, वो त्याग पत्र उसने अपना ऑफिस में दे दिया। और उसने वो वाले उस जगह को परमानेंटली छोड़कर जाने का निश्चय कर लिया था। तो इस लेसन के द्वारा आपको ये समझाया गया है कि जैसा आपके मन में वहम रहेगा वैसा ही आप को दिखाई भी देने लगेगा। आप कल्पना वैसी करेंगे तो आपके सामने वैसा ही चीजें आएंगी। दैट्स ऑल।